की आवाज में आज मेरे साथ हैं एडवोकेट अनिल शर्मा जी, जो संगरिया से आम आदमी पार्टी के टिकट पे चुनाव लड़ चुके हैं, और विक्रम बिश्नोई जी भी हैं, और हम उनसे वार्ता करते हैं आज के जो परिणाम आए हैं दिल्ली विधानसभा चुनाव के, और उसमें आम आदमी पार्टी जीत की ओर अग्रसर हो रही है, और अभी तक पूरे परिणाम नहीं आए हैं, और अब इनसे जानते हैं भी क्या मुख्य मुद्दे रहे और क्या वजह रही कि लोगों ने ये तीसरी बार आम आदमी पार्टी की सरकार बनाने जा रहे हैं। सर्वप्रथम तो मैं आवाज़ संग्रह की आवाज़ के संस्थापक विनोद जी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। चलते रहो। मैं धन्यवाद देता हूँ कि आज भाई साहब हमारे पास आए हैं। हमारा इस आम आदमी पार्टी की विजय सीरीज जो का श्रेय है उसको एक्सप्लेन करने के लिए पब्लिक में भी किस प्रकार से वो विजयी हुई है और किस प्रकार से विजय की ओर अग्रसर है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद विनोद जी का। और आम आदमी पार्टी जो मुद्दे लेके आई दिल्ली के अंदर, वो क्रम के आधार पर मुद्दे थे सारे के सारे। वो धरातल पे जो काम किया, क्या वो उसको परिलक्षित होते हुए अपने इसको उस रूप में देखे? इसका सबसे श्रेय केजरीवाल जी को इस बात का भी जाता है कि उन्होंने मुख्यतः जो मुद्दे थे, जो कर्मशील रह के जो मनुष्य की जो नियति है कर्मशील की, और कर्मशील रहते हुए उन्होंने जो काम किए दिल्ली के अंदर शिक्षा के संबंध में, स्वास्थ्य के संबंध में, वो उनको मुद्दे नहीं बनाए, जबकि पब्लिक ने उनको इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण दिया जीत के रूप में भी। जो कर्म किया उसी को आधार मानते हुए वो जीत का श्रेय। क्या क्या मुख्य मुद्दे थे? किस किस मुद्दे का सबसे ज़्यादा फायदा मिला? क्या स्वास्थ्य का, या बिजली के बिलों का, या जो आम जन समस्याओं के रुझान का, या स्वास्थ्य का? मुख्यतः जैसे स्वास्थ्य संबंधित मुद्दे हैं, शिक्षा से संबंधित मुद्दे हैं, और स्वास्थ्य के संबंध में मोहल्ला क्लिनिक है, और स्वास्थ्य के संबंध में अच्छे हॉस्पिटल बनाने, अच्छे स्कूल ग्रोथ करना, और सड़कों की व्यवस्था करना, सफाई करना, इन मुद्दों को लेकर आम आदमी पार्टी ने जो चुनाव लड़े उसका ये परिणाम। जो कांग्रेस पार्टी का एक तरीके से अस्तित्व दिल्ली में समाप्त होता दिखता है, वो 4% में सिमट गई है। जी सर, इस परिप्रेक्ष्य, नए परिप्रेक्ष्य में राजस्थान में आगे आम आदमी पार्टी की क्या भूमिका देखते हैं? कांग्रेस की क्या स्थिति रहने वाली है, और किस तरीके से आप इसमें आगे बढ़ना चाहेंगे? आम आदमी पार्टी राजस्थान के अंदर विशेषकर जो आज राजनीति का परिप्रेक्ष्य या राजनीतिक जो सोच बदली है लोगों की, राजनीति का एक जो पहले एक दो गुट इस डरा बना रख लोगों ने बना रखा था, जो आज चेंज हुई है सोच। आज क्या ये 10 साल पहले भी चेंज होगी, केजरीवाल जी की जो नियति थी हाँ जी, उसके आधार पर जैसे चेंज हुई है, तो मैं ये मानता हूँ कि राजस्थान में भविष्य में भी लोग इस बारे में बहुत कुछ सोचेंगे, बहुत कुछ परिवर्तन आने वाला है राजस्थान में भी, ये मैं मानता हूँ। तो एक नया संगठनात्मक ढांचा पुनः एक राजस्थान में खड़ा होने की उम्मीद करते हैं आप? जी हाँ, ये बिल्कुल सही बात है, ये उम्मीद करते हैं और ये आशा भी करते हैं कि खड़ा होगा।